Now, good evening students. Now, we will discuss next topic of the chapter second unit and measurement. हमारा next topic जो है आज का वो है significant figures. क्या है? Significant figures. So, basically that topic is related to the measurement of a physical quantity. जब भी आप किसी physical quantity को क्या करते हैं? Practically measure करते हैं. किसी apparatus के थ्रू तो उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो डिजिट्स हम कॉन्फिडेंटली कैलकुलेट करते हैं या कॉन्फिडेंटली क्या करते हैं मेजर करते हैं मतलब जिनके मेजरमेंट में जो ऑब्जर्वर है वो क्या हो कॉन्फिडेंट हो कि जो पर्टिकुलर मेजरमेंट जो ले रहा है उन मेजरमेंट में जो डिजिट कॉन्फिडेंस के साथ मेजर किए जा रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंट डिजिट उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट्स में क्या बोले जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर तो सिग्निफिकेंट फिगर हम किसको डिफाइन करेंगे व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर तो सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर दोज डिजिट विद मेजर विद कॉन्फिडेंस प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट दैट मेक्स अ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दैट मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप प्रैक्टिकली मेजर कर रहे हैं उसके मेजरमेंट में जो डिजिट्स ऑब्जर्वर ने कॉन्फिडेंस के साथ मेजर किए हैं प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट वो आपका क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर जैसे देखिए नॉर्मली हम लेंथ के थ्रू मेजर करते हैं नॉर्मली मीटर स्केल के थ्रू मेजर करते हैं हमारी जो नॉर्मल मीटर स्केल होती है 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में दे रखा होता है तो 0 से 1 के बीच में आप देखिए टोटल 10 पार्ट्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल कितने पार्ट्स होते हैं 10 पार्ट्स तो लीस्ट काउंट जो होगा वो कितना होगा ये 1 सेंटीमीटर है यानी 10 एमएम टोटल तो लीस्ट काउंट कितना हुआ 1 एमएम यानी ये जो मीटर स्केल है हमारी नॉर्मल मीटर स्केल वो मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकती है मिनिमम से मिनिमम 1 एमएम और यदि हम उस मीटर स्केल से कोई पर्टिकुलर लेंथ मेजर कर रहे हैं और उसकी लेंथ की वैल्यू मैंने लिख दी 1.1 एमएम तो ये जो 1 एमएम वैल्यू लिखी है इसमें तो ऑब्जर्वर जो है वो कॉन्फिडेंट है लेकिन जो नेक्स्ट 1.1 एमएम जो लिखा है उसमें वो क्या है अनसर्टेन है क्योंकि मीटर स्केल से वो वैल्यू मेजर नहीं हो सकती क्योंकि मीटर स्केल मिनिमम 1 एमएम मेजर कर सकता है 1 से नेक्स्ट वाली 1.1 एमएम जो बोला है क्योंकि 1 के बाद नेक्स्ट 2 एमएम है तो 1 और 2 के बीच का वैल्यू पर 1.1 बोलना सर्टेनिटी के साथ नहीं बोला जा सकता तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट 1 है वो अनसर्टेन डिजिट है मतलब जिसको मेजर करते टाइम ऑब्जर्वर जो है वो क्या है कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपका ये ओवरऑल मेजरमेंट क्या बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इस मेजरमेंट में कितने हुए 2 कितने हुए 2 जैसे मैंने टाइम लिखा 1.62 सेकेंड तो ये पहले तो डिजिट जो है वो क्या है सर्टेनिटी के साथ मेजर किए गए हैं जो तीसरा डिजिट है दैट मेजर विद अनसर्टेनिटी मतलब उसको मेजर करते टाइम ऑब्जर्वर कॉन्फिडेंट नहीं है तो दैट कंप्लीट मेक्स अ सिग्निफिकेंट फिगर तो हाउ कैन यू डिफाइन अ सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी आर दोज डिजिट्स विच मेजर विथ कॉन्फिडेंस दोज डिजिट्स which measure with confidence plus first uncertain digit मतलब जो digits confidence या certainty के साथ measure किए गए confidence बोल दो और measure with certainty प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट
मेक्स टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इन दैट मेजर, जो डिजिट सर्टेनिटी के साथ मेजर किए गए हैं प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, क्या बनाएगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा सिग्निफिकेंट फिगर फॉर्म करेगा। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में मुझे एग्जैक्टली नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स डिटरमाइन करने के कुछ रूल है, क्या है कुछ रूल्स, तो वो रूल्स हम जो है वन बाय वन डिस्कस करना है। सो रूल्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट, रूल्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सो फर्स्ट रूल है, पहला रूल क्या है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स इन अ मेजर क्वांटिटी और ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स इन अ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर सिग्निफिकेंट, क्या होंगे सिग्निफिकेंट। जैसे मैंने एक मेजरमेंट लिखा एक्स इज इक्वल टू 12.96, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए चार, नॉन जीरो डिजिट्स, सारे नॉन जीरो डिजिट्स है, कोई भी जीरो नहीं है, तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए तो, जैसे मैंने लिखा एक्स इज इक्वल टू 1.327, तो ठीक है, या 1.32, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए थ्री, कितने हो गए, तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स इन अ मेजर क्वांटिटी आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट, वो क्या होंगे सारे सिग्निफिकेंट। फिर सेकंड रूल क्या है, नंबर ऑफ जीरोस इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो क्या होंगे सिग्निफिकेंट। जैसे मैंने एक्स लिखा 302, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए फोर, ये जीरो जो होगा दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आया है तो वो सिग्निफिकेंट बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा सिग्निफिकेंट। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ जीरोस राइट टू नॉन जीरो डिजिट और एंड लेफ्ट टू अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब नंबर ऑफ जीरोस राइट टू नॉन जीरो डिजिट्स एंड लेफ्ट टू द अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल पॉइंट है नहीं बट हमने समझ लेना है कि यहां डेसिमल पॉइंट होगा तो वो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। बट इफ दिस नंबर, इफ दिस मेजरमेंट या इफ दिस नंबर represent any measurement of a physical quantity, then it is significant. तब वो क्या होगा significant? जैसे मैंने x लिखा 86400, significant figure कितने होंगे थ्री, मतलब जीरोस विच आर राइट टू द नॉन जीरो डिजिट बट लेफ्ट टू अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट है नहीं लेकिन
इसके लेफ्ट में है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3। लेकिन यही मैंने लिखा होता है 86400 सेकेंड्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं 5। यदि वो किसी फिजिकल सिंपल नंबर नहीं है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट है, तो वो सारे जीरोस क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर बोले जाएंगे। इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस पार्ट? All the zeros write to non-zero digit and left to decimal point are significant. जैसा हमारा measurement है, एक्स लिखा मैंने 1310, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे? 4। मतलब राइट टू नॉन जीरो डिजिट बट लेफ्ट टू डेसिमल पॉइंट, ये जीरो सिग्निफिकेंट क्या होगा? सिग्निफिकेंट। उसके पहले जो रूल था उसमें अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट था तो वो सिग्निफिकेंट नहीं बोला जाता। अब ये सिंपल नंबर हो या मेजरमेंट हो, दोनों केस में ये जीरो सिग्निफिकेंट बोला जाएगा। रूल नंबर 5 क्या है? ऑल द जीरोस राइट टू डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। जैसे नेक्स्ट लिखा मैंने 161.0 सेंटीमीटर, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? कितने हुए? सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 4। डेसिमल के राइट साइड में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो ये 5 रूल हो गए सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन करने। अब देखिए 6th रूल देखिए, इंपॉर्टेंट है वो भी। ऑल द जीरोस राइट टू डेसिमल पॉइंट बट लेफ्ट टू नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे मैंने एक्स लिखा 0.0136, तो ये जो जीरो है क्या होगा? राइट टू डेसिमल पॉइंट बट लेफ्ट टू नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 1, 2 और 3। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 3। जैसे एक्स लिखा 0.0048, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 2। कितने हुए? 2। नेक्स्ट रूल देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ मेजर फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज एज वी चेंज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज कर लिया, मतलब उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट आपने चेंज किया है, फिर भी उसके सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे। क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होंगे। जैसे आपने एक्स लिखा 16.1 सेंटीमीटर, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3। इसको मीटर में चेंज किया तो क्या हुआ? 0.161 मीटर, तो सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी 3। किलोमीटर में चेंज किया, एक्स 0.000161 किलोमीटर, सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी 3 है। आपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज करी लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अब
जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब यदि कोई ऐसा पर्टिकुलर मेजरमेंट है जो बहुत ही बड़ा है या फिर बहुत ही छोटा है मैग्नीट्यूड वाइज, तो हम उसको क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में जो आपकी 10 की जो पावर होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। क्या होती है? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती, ठीक है। जैसे आपका मेजरमेंट है, जैसे एक्स आपने लिखा 0.00016161, या ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर रूल के हिसाब से 3 है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों जीरो काउंट में नहीं होंगे। अब इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, कैसे, 1.61 × 10⁻⁴। तो ये 10⁻⁴ ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी 3 है। जैसे एक्स की वैल्यू है आपकी 2, 3, 4 ये मेजरमेंट, ठीक है। तो रूल नंबर 3 हमने क्या पढ़ा था कि ऑल द जीरोस राइट टू द नॉन जीरो डिजिट बट लेफ्ट टू द अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है, लेकिन इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हैं तो क्या लिखा, 2.34 × 10⁻⁹ × 4.6789 तो अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी 3 है। ये 10⁻⁹ जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब लास्ट रूल जो हमारा, यदि आपका कोई पर्टिकुलर नंबर क्या बता रहा है, काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इफ एनी मेजरमेंट रिप्रेजेंट काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंस, जैसे आपने लिखा 20 चेयर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे इसके अंदर, इनफाइनाइट, ठीक है, 56x, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, इनफाइनाइट, कितने होंगे, इनफाइनाइट। सो दीज आर रूल्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है कि जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, उसके बाद मेजरमेंट के बाद यदि कुछ उस पर क्या कर रहे हैं, जब एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, किसी तरीके का एल्जेब्रिक ऑपरेशन कर रहे हैं, तो एल्जेब्रिक ऑपरेशन करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा, तो फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो उसको भी डिटरमाइन करने के कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, तो वो रूल्स हमें क्या करने हैं, डिस्कस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। अर्थमेटिक ऑपरेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, तो सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, सिग्निफिकेंट फिगर इन सम और डिफरेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो जब आप क्या कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट रहेगा क्या रहेगा, जो फाइनल रिजल्ट रहेगा, सो इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फाइनल रिजल्ट
शुड बी कंटेन, आपका जो फाइनल रिजल्ट रहेगा दैट शुड बी कंटेन द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द ओरिजिनल नंबर विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ या लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। क्या होगा? इन द एडिशन और सब्ट्रैक्शन फाइनल रिजल्ट शुड बी कंटेन द दैट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मतलब जब आप दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं, सॉरी क्या कर रहे हैं, एड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट मस्ट बी कंटेन द डेसिमल प्लेसेस एज द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मतलब ओरिजिनल नंबर, वो ओरिजिनल नंबर जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, फाइनल रिजल्ट में उतने ही नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रहे। तो रूल क्या है? इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड दैट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज ओरिजिनल नंबर एज ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। क्या ना चाहिए? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो आपका फाइनल रिजल्ट में वो आपका क्या होना चाहिए? सिग्निफिकेंट है। जैसे देखिए आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है ए 1.372, बी है 0.21 और सी है 1.1। अब आप क्या कर रहे हैं? इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। अब देखिए इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? इसमें तीन है, इसमें कितने हैं? दो, इसमें है एक। तो फाइनल रिजल्ट में डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे? एक डेसिमल प्लेस। देखिए जैसे इसको कैसे करेंगे, 210, ये 1.1, हम तीनों का ऐड किया 1.372 प्लस 0.210 1.100 2.68। अब यहां ये सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। मतलब अब डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? इसके अंदर 3 है। हमें कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए? 1 डेसिमल प्लेस। तो ये डिजिट राउंड ऑफ करने होंगे। अब डिजिट इज टू बी राउंड ऑफ, ये जो डिजिट राउंड ऑफ करना है ये मोर देन 5 है, तो इसका प्रीसीडिंग डिजिट 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2.7। क्या जाएगा? 2.7। सो दैट इज अ सिग्निफिकेंट फिगर इन द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब जब भी आप दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट के अंदर आपको क्या देखने हैं? डेसिमल प्लेसेस देखने हैं, कि जिस ओरिजिनल नंबर में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है फाइनल रिजल्ट में उतने ही लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे। अब नेक्स्ट आपका है सिग्निफिकेंट फिगर इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सिग्निफिकेंट फिगर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अ फिजिकल फिगर। सो इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड दैट नंबर
ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज ओरिजिनल नंबर विथ लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी का क्या कर रहे हैं आप, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं या डिविजन कर रहे हैं, तो फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जितने ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ओरिजिनल नंबर के अंदर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जो ओरिजिनल नंबर है, जो दो ओरिजिनल नंबर है या तीन ओरिजिनल नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन या डिविजन हो रहा है, उसमें जो ओरिजिनल नंबर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कंटेन कर रहा है फाइनल रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। जैसे देखिए मैं दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, एक्स इज इक्वल टू 3.4 इंटू 19.8, तो देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, दो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तीन, तो फाइनल रिजल्ट के अंदर आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, दो सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन किया 3.4 एंड 19.8, 32, 7, 7, टू, 11, 7, 3, 67.1, ये आपका मल्टीप्लीकेशन आया। यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। अब आपको चाहिए कितना है सिग्निफिकेंट फिगर, 2। तो दिस इज टू बी राउंड ऑफ, ये दिस इज राउंड ऑफ करना है, तो ये 5 से छोटा है तो आंसर आ जाएगा 67। क्या जाएगा, 67, क्योंकि यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, 4 थे, और मुझे फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने चाहिए, 2, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने ओरिजिनल, वो ओरिजिनल नंबर जिसके अंदर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो फाइनल रिजल्ट के अंदर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो फाइनल रिजल्ट में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। तो ये आपका आया अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। इज इट क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन, ठीक है।